या अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा समस्या हरियाणा के अंदर, जितने भी देखो कांठे दिख रहे, बड़ी बड़ी कांठे दिखेगी आपको अमरूद के अंदर, तो ये हरियाणा के अंदर अभी समस्या इसकी चल रही है अमरूद के अंदर। आपको उसमें से 250 ग्राम मिर्ची आपको भेजनी है बाग, और साथ में जड़े ज़रूर भेजना, और उससे क्या आपको पता चलेगा कि आपके कितने निमेटोड है, कितने एकड़ में कितने निमेटोड है, एक ग्राम मिट्टी में कितने निमेटोड है, फिर अपन उसकी जांच के लिए चले जाएं। अब नमस्कार किसान साथियों, मैं मनिंदर सिंह फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आज हम जानकारी लेंगे जो फसलों में या बागवानी में नेमाटोड की जो समस्या आती है, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देंगे डॉक्टर जयदीप पाटिल जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो नमस्कार जी किसान भाइयों, अब अपन आज बात करेंगे जो सूत्रकृमि है, जिसको अपन इंग्लिश में नेमाटोड कहते हैं। आप, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये जो है ये फसलों में नुकसान करने वाले सूत्रकृमि है, और इसकी पहचान ये है कि आप ध्यान रखना, इसको देखो, ये सुई जैसा जो नोक होता है, ये क्या करता है, ये जितने भी जड़े हैं, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे वो बागवानी की हो, चाहे वो पॉलीहाउस के अंदर फसल हो, ये जड़ों का यहाँ से खाने का काम करेगा। इसको कहते हैं सूत्रकृमि, इसको कहते हैं पादप सूत्रकृमि, जो जड़ों पर अटैक करता है। अब ये देखिए, नींबू का जो सूत्रकृमि है, इसमें क्या है, जब नेमाटोड इस पे पर खाएगा तो क्या, आधा वो जड़ के अंदर रहेगा, पर इसके देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, पर ये जड़ों के ऊपर लक्षण बड़े अच्छे दिखाता है। ये देखो, ये है स्वस्थ जड़े जिसके अंदर नेमाटोड है ही नहीं, और ये देखो, ये रोगग्रस्त जड़े है, ये देखो बिल्कुल मेले मेले से जड़े, और इसके लक्षण यहाँ देखो पौधों के ऊपर, ये तो जड़ों के ऑप्शन रहे, ऊपर के लक्षण देखो, ऊपर से नीचे ऐसे पौधा सूखने लग जाता है, ये इसके बिल्कुल सटीक लक्षण है, और इसको कहते हैं नींबू जाति का सूत्रकृमि। अच्छा, इसके प्रबंधन के लिए दो तीन उपाय बड़े अच्छे हैं, एक तो मैं बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय इसका ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। जो नीम की खली का यहाँ पे दे रखा है दो तीन उपाय, ये देख लीजिए, एक तो कार्बोफिरॉन है, जो क्या करना है, 13 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर कार्बोफिरॉन डालना है आपको, ये हो गया ऑर्गेनिक उपाय, इसको जो केमिकल का उपाय, और ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, नीम की खल 1 किलो प्लस कार्बोफिरॉन 7 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, ये आपको हर पौधे में डालना है। ये हो गया दो उपाय इसको, उपाय ये जो नींबू जाति सूत्रकृमि के लिए। अब अपन बात करते हैं पॉलीहाउस के अंदर, देखो पॉलीहाउस के ना अलग सा नेमाटोड है, इसको कहते हैं जड़ गांठ सूत्रकृमि। आप इसमें देख सकते हो जड़ों के ऊपर, देखो बड़ी बड़ी गांठें बनाएगा, ये देख सकते हो आप जड़ों के ऊपर कैसे गांठें बना रहा है, ये बिल्कुल आसानी से आप पहचान लोगे किसान भाई, जब आप जड़ उखाड़ोगे तो उसके ऊपर गांठें दिखेगी। ऊपर के लक्षण देखो आप, ऊपर में ये देखो, इस तरीके से पौधा ऊपर से नीचे पूरा सूखने लग जाता है, ये पॉलीहाउस के अंदर की बात करो। अभी हरियाणा के अंदर देखा जाए तो दो बड़ी समस्या है, एक तो पॉलीहाउस के अंदर, और एक जो है फसलों के अंदर, अमरूद की फसल में निमेटोड अलग है, वो मैं दिखाऊंगा, अमरूद का अलग है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके लक्षण हो गए, अब इसके प्रबंधन के लिए क्या करना है, इसके प्रबंधन के लिए बड़ा आसान उपाय है, क्या करना है, जैसे हम जून जुलाई में अपने इसमें कोई फसल नहीं होती, उस टाइम पे क्या करना है आपको, गहरी जुताई करनी है इसके अंदर, पॉलीहाउस के अंदर 2-3 बार गहरी जुताई करनी है बढ़िया सी, फिर उसके बाद क्या करना है, हल्की सिंचाई इसके अंदर पॉलीहाउस के अंदर, और फिर उसको क्या करना है आपको, ढकना है पॉलीथीन से, ये जमीन है ना पूरी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढक लेना है, ठीक है, जमीन को पूरी तरीके से ढक के फिर आपको क्या करना है, इसको 15 दिन तक इसी तरह के ढक के छोड़ देना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितने भी सूत्रकृमि है, चाहे और कोई भी है फसल, उसके अंदर जो वीड है, कोई और जंतु है, बैक्टीरिया है, वो सारे इसके अंदर लगभग मतलब 90% खत्म हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, दूसरी चीज़ इसमें क्या करना है, एक तो नीम की खल आपको लेना है, मोटा मोटा बताता हूँ, 1 एकड़ अगर पॉलीहाउस है तो 1 टन नीम की खल लेनी है, और उसके अंदर 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो आपको ट्राइकोडर्मा की पाउडर लेनी है, उसके ऊपर पूरा अच्छा तरह मिक्स करना है आपको ऊपर, और क्या करना है, उसको अपन जहाँ पे छाया हो, जहाँ नीचे पक्का फ्लोर हो और छाया हो, उसके अंदर आपको बिछा के रख देना है ट्राइकोडर्मा और नीम की खल, उसको अपन कम से कम 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन में क्या हो जाएगा, वो ट्राइकोडर्मा नीम की खल के ऊपर फैल जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, इसको जो अपना जो बना हुआ है ट्राइकोडर्मा और नीम की खल का मिश्रण, वो आपको जमीन के अंदर बिजाई से पहले डालना है, चाहे खेजे की आप ट्रांसप्लांटिंग कर लो, चाहे बिजाई कर लो, उससे पहले आपको ये डाल देना है 1 एकड़ में, मैंने बता दिया 1 टन के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं बागवानी के ऊपर, ये तो है अपना निमेटोड की कैसे जांच के लिए सैंपल ले, अगर आपको कोई किसान पूछता है भाई कैसे सैंपल लेंगे अपन, जैसे अपना मान के चलो ये खेत है अपना, मोटा मोटा मान लो ये खेत है, अब इसमें सैंपल लेना है, कैसे लेंगे, जिग जग मैनर से, क्योंकि निमेटोड एक जगह तो होगा नहीं, पूरे खेत को कवर करना है, जैसे यहाँ से आपको 50 ग्राम ले, यहाँ से 50 ग्राम, यहाँ से 50, ऐसे लेके पूरे में से आपको कम से कम 15 से 20 जगह से मिट्टी इकट्ठा करके 20 से 25 सेंटीमीटर खोद के, वहाँ से फिर आपको 250 ग्राम मिट्टी जांच के लिए यहाँ सूत्रकृमि विभाग है अपना निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ आप यहाँ जो एड्रेस लिख रखा है अध्यक्ष सूत्रकृमि विभाग, वहाँ आपको भेजना है, मैं पंपलेट भी दे दूँगा,
ठीक है ना, तो इस तरह। और बाग में से कैसे लेना है, ये तो हो गया हम अपने जैसे कि भाई बाकी फसलें होगी, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, बाग में से कैसे लेना। जैसे देखो ये आपका पौधा है अमरूद का, मांग के चलो ये अमरूद का पौधा है, तो यहाँ से पास से जहाँ जड़ें होगी अमरूद की, वहाँ से आपको दो जगह से लेना है, यहाँ से दो जगह से, ऐसे देखो जिगजैग मैनर से 10-15 जगह से लेके आपको उसमें से 250 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है बाग, और साथ में जड़ें जरूर भेजना, और उससे क्या आपको पता चलेगा कि आपके कितने निमेटोड है, कितने एकड़ में कितने निमेटोड है, एक ग्राम मिट्टी में कितने निमेटोड है, फिर अपन उसकी जांच के लिए चले जाएं। अब यहाँ पे बात करते हैं अमरूद में, जो हरियाणा के अंदर बड़ी समस्या आजकल, ये अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा अभी समस्या है हरियाणा के अंदर, जितने भी देखो कांठे दिख रहे, बड़ी बड़ी कांठे दिखेगी आपको अमरूद के अंदर, तो ये हरियाणा के अंदर अभी समस्या इसकी चल रही है अमरूद के अंदर, ठीक है, इसकी बड़ी समस्या है। तो यही इसके उपाय है लगभग, नीम की खल और ट्राइकोडर्मा, तो इसका उपाय ऐसे नीम की खल और ट्राइकोडर्मा से बागवानी में, हाँ बागवानी में हमें इसी तरह बताते हैं भाई, 1 किलो नीम की खल डाल दी और ट्राइकोडर्मा के साथ, प्रक्रिया तो वही है इसको बनाने, ठीक है। और जैसे दूसरी फसलों में जैसे आपने अब धान की बात करते हैं, एक देखो धान के अंदर यहाँ देख सकते हो आप धान का जड़ गांठ रोग है, इसके लक्षण आप देख सकते हो, ऊपर से पूरा पोला हो रहा है, ये देखो पूरा जो खेत है पूरा के पूरा पीला हो रहा है, और इसके ऊपर गांठें दिख रही है, देखो नीचे के लक्षण। अब ये जो निमेटोड इसमें आता है, जहाँ पे आप नर्सरी तैयार करते हो ना, वो नर्सरी से आता है, तो हम क्या कहते हैं किसानों को, जहाँ पे आप नर्सरी बोना चाहते हो उस खेत की एक बार जाँच करवाओ, अगर उसमें निमेटोड है तो आप उस खेत को ले अवॉइड कर दीजिए वहाँ से। अच्छा फिर आपको वहीं पे अगर मांग के चल लगाना है तो क्या करना है आपको, मई जून के अंदर 10 बार अंतराल से गहरी जुताई करनी है, 2-3 बार। फिर क्या करना है, जो पनीर आपको जब होता है पॉलीथीन होती है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, जैसे मैंने पॉलीहाउस में बताया था, वो उस नर्सरी के एरिया में ढक देना है उसको, ठीक है ना, कम से कम 20-21 दिन के लिए वो ढक देना है, 2-3 सप्ताह के लिए उसको ढक देना है, और फिर उसके बाद आप उसमें बिजाई कर सकते हो चावल की, राइस की, ठीक है ना, ये उसके उपाय हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। और सभी किसान साथियों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे ज़्यादा जानकारी ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।